हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 6 ऑफ क्लास 5th ईवीएस फोर्स एंड सिंपल मशीन। बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट आई विल शो यू ऑल द वर्कशीट ऑफ यूनिट 5। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट दो स्टूडेंट हु नॉट कम्प्लीटेड द वर्कशीट। होप सो कि वर्कशीट 5 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो वर्कशीट 6 से मैं आपको शो करूंगी केस स्टडी ऑफ ड्रॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। वर्कशीट 7 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। वर्कशीट 8 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। वर्कशीट 9 अर्थक्वेक क्वेश्चन नंबर 1, 2 का बी पार्ट, 2 का सी पार्ट, 2 का डी पार्ट एंड ई पार्ट। ओके, वर्कशीट 10 आपको करने के लिए बोला था। जैसे हमने ये वर्कशीट 6 की थी केस स्टडी ऑफ ड्रॉट कि इसी स्टेंजा में से क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे, ऐसे ही ये वर्कशीट 10 है, इसी स्टेंजा में से फाइंड आउट करने ये आपके लिए है। वर्कशीट 11 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। वर्कशीट 12 दिस इज ऑल्सो केस स्टडी ऑफ फायर। सी पार्ट। वर्कशीट 13 फर्स्ट का ए बी पार्ट, ये सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को करना था। थर्ड क्वेश्चन वर्कशीट 14 व्हाट इज फर्स्ट एड, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारी वर्कशीट थी, इसमें जो भी रह गई है वो अभी आपके लिए वर्क है। जब सब लोग मुझे करके दिखाएंगे कि मैम हमने किया है, जैसा भी किया हो, तो उसके बाद मैं आपको उनके आंसर भेज दूंगी। तो लेट वी स्टार्ट यूनिट 6 फोर्स एंड सिंपल मशीन। इस यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे, डिफाइन वर्क एंड इट्स रिलेशनशिप विद फोर्स, डिफाइन रिप्रेजेंट एंड डिस्क्राइब फंक्शनिंग ऑफ सिंपल मशीन अलोंग विद देयर एप्लीकेशंस, क्रिएट अ सिंपल मशीन। ये सब हम इस यूनिट में रीड करेंगे। देखिए SR1 है फोर्स एंड वर्क। फोर्स सभी को पता है क्या होता है, फोर्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़ा तो अब समझ लो कि क्या होता है, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें और उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पुश या पुल को हम बोलते हैं फोर्स। देखिए वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल है। तो इफेक्ट क्या होते हैं फोर्स के, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू इट। मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मान लो कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम जैसे ये कोई बॉल है, अगर वो जा रही है, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी। अगर बॉल रुकी हुई है, हम उस फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्स के इफेक्ट ये होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फोर्स के। मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर देता है। स्टॉप, स्लो डाउन और स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि या तो स्टॉप कर देता है मोशन वाले ऑब्जेक्ट को, या स्लो डाउन कर देगा, या फिर स्पीड को चेंज कर देगा।
मतलब स्पीड अप कर देगा, ज्यादा कर देगा उसकी स्पीड। चेंज द डायरेक्शन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो कि बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, हम उसको ऐसे फोर्स कर दें तो बॉल इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए, मूव, स्टॉप डाउन और स्पीड अप, चेंज डायरेक्शन, ओके, चेंज शेप बाय द फोर्स, दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा सा ही रीड करना है आज, तो ये भी मे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लें, बट वैसे हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ फोर्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।